कहना होगा तुम्हें, आसपास के लोगों से नहीं बल्कि खुद से। वर्षों से पड़ी आत्मा के ऊपर इस धूल को साफ करने देवदूत का दल नहीं आने वाला। परी फोन देखना, शायद मामा का होगा। हाँ मैं देखती हूँ, आप नाश्ता कर लीजिएगा। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा, अंकु कहाँ है? हाँ उनके लिए नाश्ता निकाल के रखा है, वो ऑफिस जा ही रहे हैं। अच्छा, और तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ माँ सब खैरियत है। और शर्मा आंटी ने जो बताया, हाँ वो सब ठीक से कर रही हो ना? माँ मैं सब कर रही हूँ अच्छे से। हाँ वैसे चेहरा देखकर तो लग रहा है इस बार लल्ला ही होगा। माँ पिछली बार भी तो यही किया था। क्या रोज एक ही फोन, इधर लाओ फोन इधर लाओ। एक माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या आप क्यों हमेशा टोकते रहते हो? टू मच यार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या तुम वाकई में ऐसा चाहती हो? हाँ क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ अब हर कोई आपकी तरह सोचे, ये जरूरी थोड़ी ना है। आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? शाम को मिलता हूँ। ठीक है। इस बार तो लल्ला ही होगा। इस बार तो लल्ला ही होगा। ध्रुवी चुप करो। खाके हुआ तुम्हारा? आखिर मैं क्यों ना चाहूं कि मुझे बेटा ही हो? वैसे भी होने को तो कुछ भी हो सकता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन बेटा ही हो इस पर इतना जोर क्यों? आप अभी ऑफिस से आए हैं? रुकिए मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमारे दो फ्लैट्स हैं और हम बिजनेस भी डालने वाले हैं, तो फिर ये सब हम कर किसके लिए रहे हैं? अच्छा तो तुम ये सोचती हो कि ये सब हम अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर बेटा नहीं हुआ तो? आपको हो क्या गया है, आप इतने परेशान क्यों हो? मैं परेशान नहीं हूं, मैं बस ये सोच रहा हूं कि ये सब हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो मैं कैसे समझाऊं? तुम समझ लिए? मुझे सब समझ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ रहा कि आपको नहीं लगता कि बुढ़ापे में हमारी देखभाल करने वाला कोई तो होना चाहिए? और वैसे भी आपकी मम्मी हमेशा कहती रहती है कि पोता चाहिए पोता चाहिए, वो तो ध्रुवी के वक्त भी यही बोल रही थी कि पोता चाहिए। तुम क्या सोचती हो ये जरूरी है? देखो जो कुछ भी होगा उसे हम बदल नहीं सकते हैं, पर ये जो तुम्हारी सोच है ना, आखिर तुम भी तो एक औरत हो। आपको समझ क्यों नहीं रहा? देखिए बेटों को पालना आसान होता है, आपको क्यों परेशानी है बेटों से इतनी? नहीं पता, मुझे बेटा ही चाहिए। मुझे परेशानी न तो बेटों से है और न ही बेटियों से, मुझे परेशानी उस सोच से है कि बेटा होता तो अच्छा होता। ठीक है आपको जो बोलना है वो करो आप।
क्या हुआ? बेटा क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम? गमले के साथ क्या कर रहे हो? लगा तो नहीं ना? नहीं। क्या हुआ? मम्मा वो मैं ना वो प्लांट उठने गई, इसलिए वो पड़ गया और फूट गया। क्यों क्यों, आप क्यों उठा रही थी प्लांट को? क्योंकि मेरे को ड्राइंग करना था। बेटा तुम भी ना, वैसे भी बिना मिट्टी के पौधा सूख जाएगा ना। यही तो मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था। ये प्लांट इसी मिट्टी में ही बड़ा होता है। हाँ बेटा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा, जितना बड़ा अपने पार्क में बरगद का पेड़ है ना, उतना बड़ा। ना बड़ा? हाँ। पापा बिना मिट्टी के कोई पेड़ नहीं होता। नहीं, पेड़ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिना मिट्टी के फल फूल नहीं सकते। मतलब? मतलब ये कि बिना मिट्टी के पेड़ सूख जाता है,